क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। उन्होंने कहा है कि वैभव गहलोत और समेत 5-15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, क्या मामला है और सरकारी टेंडर लेने को लेकर, और ये कहा है कि हमने वैभव गहलोत से वीडियो कॉल पर बात भी की है। देखिए अभी तो अगले साल चुनाव है 2023 में, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप मनगढ़ंत आरोप मनगढ़ंत FIR ये सब चलती रहेंगी। जिस तरह से मीडिया के बंदों से ही मुझे मालूम पड़ा और जयपुर से मालूम पड़ा कि कोई इस तरह से महाराष्ट्र नासिक के अंदर ये कोई FIR दर्ज हुई है, मुझे भी आधार मालूम पड़े, क्या आधार है, क्या बात है, अभी तक मुझे केवल इस बारे में जानकारी है। और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाती रहेगी, पर हमारा जो जनता की सेवा है, हमने लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ा, हम निरंतर हम अपनी गति को कम नहीं करेंगे, चाहे कितने आरोप लगाएं, निराधार चाहे कुछ भी बात करें, उनकी बातों में उनके कोई आधार तो हो, किस तरीके से वो कुछ भी आरोप लगाएं। आपकी जोश के साथ जो सदस्यता ग्रहण चल रही है उसको देखते हुए आप क्या करें? नहीं, आज हमने शहर और देहात दोनों की मीटिंग ली जोधपुर, क्योंकि हमेशा मारवाड़ और विशेष तौर पे जोधपुर के लिए हमेशा जो चाहे सदस्य अभियान रहा हो, चाहे दिल्ली में कोई बड़ी रैली हो, चाहे जो भी अभियान कांग्रेस पार्टी ने मारवाड़ जोधपुर को हमेशा आगे रहा है जोधपुर अपने इस अभियान किसी भी कांग्रेस के अभियान में। और आज जब सदस्यता की बात भी है तो मैं हम सब का ये दायित्व बनता है, हम सब कार्यकर्ताओं का, कि हम लोग सदस्यता को किस तरीके से आगे मजबूत करें और किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाएं। इसी लक्ष्य के साथ हम लोगों ने आज सब ने आपस में चर्चा की, आपस में तमाम हम सीनियर लीडर्स के तमाम कार्यकर्ताओं के सुझाव हमको मिले, और मेरा मानना है आने वाले समय में हम अच्छी सदस्यता के साथ जोधपुर का एक अच्छा प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस और ACC को देखने को मिलेगा।